जी नाज़रीन, तो आज मैं आपको ये केक सिकल्स बनाना सिखाऊंगी और ये रेड कलर किस तरह आता है चॉकलेट में, ये भी मैं आपको आपके सामने ही सारा कुछ करके दिखाऊंगी। फिर आप खुद देखिएगा, ये टेक्सचर देखिए, इसका डिज़ाइन देखिए, और बाकी मैं आपको काट के भी दिखा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब आपको रेड कलर की केक सिकल्स भी बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास वाइट चॉकलेट है और ये मेरे पास कैंडी रेड कलर है, ठीक है, ये देख लें आप। अब ये इतना सा मैं इसके अंदर डालूंगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और डालूंगी। और ये मैं आपके सामने ही मेल्ट कर रही हूँ, डबल बॉयलर तो मेरा फ़िलहाल बिजी है, मैं ये सॉस पैन ही इधर ले आई थी। ये देखिए नाज़रीन, नीचे डबल बॉयलर है, धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने इसी तरह से इसके अंदर ये जो है रेड कलर डाला है और अब मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। सिर्फ यही कलर आपके सामने मैंने डाला है, इसके अलावा कोई कलर नहीं है। आपने चॉकलेट के अंदर, वाइट चॉकलेट के अंदर हमेशा कैंडी कलर्स डालने हैं, उसके अलावा कोई कलर डालेंगे वो स्प्लिट हो जाएगी। ये देखिए नाज़रीन, ये मैं आपके सामने ही इसको मेल्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसका ट्रिक ये है कि आपने जो चॉकलेट है ना उसके साथ ही कलर को ऐड कर देना। आपने ये नहीं करना कि ये मेल्ट होगी तो हम डालेंगे, क्योंकि फिर वो कलर डिवेलप ही नहीं होता। अभी आपको शुरू में लग रहा होगा इसका कलर नहीं आ रहा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आपको पता चलेगा। नाज़रीन, ये मैंने इसका सॉस पैन में पानी गर्म करके उसके अंदर ही मैंने रखा हुआ है। अब ये मैं आपको पूरी, जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कलर डेवलप होना शुरू हो गया, जैसे ही इसमें चॉकलेट जाती है और वो आप जैसे जैसे चॉकलेट मेल्ट होती है कलर भी साथ साथ ही उसके निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप चॉकलेट मेल्ट करके उसके अंदर कलर डालोगे तो वो कभी भी अच्छा कलर नहीं आएगा, हमेशा लाइट कलर आएगा। अब मैं पूरी मेल्ट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, हमने इसको मिक्स कर दिया। रेड कलर आपने इस तरह से ही बनाना है, ये सिर्फ मैंने ये वाला रेड कलर जो कि पाउडर रेड कलर है मैंने वही यूज़ किया है, उसमें और कुछ भी नहीं डाला, तो हमारे पास ये रेड कलर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको मोल्ड में भरते हैं, फिर मैं आपको आगे इसकी दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये देखिए, आपने कैंडी कलर के अलावा चॉकलेट में कोई और कलर नहीं डालना, वरना आपकी जो चॉकलेट है स्प्लिट हो जाएगी। जेल कलर डालोगे, ऑयल बेस्ड डालें वो बेहतर है, लेकिन बाकी कोई भी डालेंगे तो स्प्लिट हो जाएगी। नाज़रीन, मैंने इसको फिल कर लिया है, अब ये जैसे ही ठंडे होते हैं तो इसमें मैं फिलिंग कर दूँगी। नाज़रीन, मेरे पास बचा हुआ छोटा थोड़ा सा पड़ा था वनीला स्पंज, वो हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा कैरमल भी डाल देंगे। जो कैरमल सॉस हमने बनाया था ना, हम वो इसके अंदर डालेंगे ताकि ये अच्छे से प्यारे से मिक्स हो जाए और यमी यमी से बने, ठीक है। ये देखो आप, इस तरह से मैंने डाला है एक चम्मच। ये इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि जब आप खाएं तो आपको अच्छा लगे। इसके ऊपर हम फिर से ये वनीला, मैंने इसको इसके अंदर मिक्स नहीं किया, मैं कहा चले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जब मैं इसको मिक्स कर लेती तो फिर ऑब्वियसली इसका जो टेक्सचर था वो बदल जाना, तो आपको समझ नहीं आनी थी कि मैंने अंदर क्या फिलिंग किया। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं कर दीजिएगा, वरना फिर ये होगा कि ये इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। मैंने हार्ट सिकल बनाया, उसमें मैंने ज़रा ज़्यादा फिलिंग कर दी, तो इस तरह से मैं आपको कट करके दिखाऊंगी उसका। अभी मैं इसमें भी फिलिंग कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए इसमें मैंने फिलिंग कर ली है। अब इसके ऊपर जो है मैं फिर से मेल्टेड चॉकलेट को मेल्ट किया, क्योंकि बार बार तो ये ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब मैं इसको फिर से इसके ऊपर फिलिंग कर दूँगी। ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने यूँ करके डाला और इस पर भी साथ ही डाल देती हूँ, ये ना फिर से ये हार्ड हो जाए। अब मैं आपको इसको स्प्रेड करके दिखाती हूँ। बहुत एहतियात से ये देखिए नाज़रीन, हमारे रेड कलर के जो हार्सिकल्स हैं वो भी तैयार हो गए हैं, ठीक है। ये थोड़े से मैंने ज़्यादा फिलिंग कर दी थी क्योंकि इसमें मैंने कैरमल फिल किया थोड़ा सा, और इसके अंदर आपके सामने ही मैंने थोड़ा सा वनीला फिल किया। अब मैं इनकी थोड़ी सी डेकोरेशन करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी भी। देखिए नाज़रीन, मैं इसके ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ, थोड़ी सी ही चॉकलेट मेल्ट करके मैं इस पर इस तरह से डाल रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। इसके ऊपर आपने जल्दी जल्दी सारा कुछ लगा देना है, वरना ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ये मेरे पास स्प्रिंकल है कुछ, मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ, ठीक है। ये जो है गलत आ गया, ये इस तरह के जो हमारे पास स्प्रिंकल हैं हम वो डाल देंगे, ठीक है। एक और हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से, बाकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जी नाज़रीन, ये देखिए ये रेडी हो गए हैं और इंशाल्लाह आपको मैं काट के भी दिखा दूंगी। ये देखिए नाज़रीन, कैरमल किस तरह से निकला है, और ये देखिए अंदर की फिलिंग और खूबसूरत टेक्सचर है इसका, कितना प्यारा लग रहा है।
ये देखिए नाज़रीन, मैंने कहा जूम करके आपको दिखा दूँ, इसके अंदर कैरमल की फिलिंग थी और साथ में वनीला स्पंज की, आपने देख लिया था। और बाकी भी सब इसी तरह के ही हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत मज़ेदार भी है। जैसे मर्ज़ी आप चाहें फिलिंग कर सकते हैं। चलें नाज़रीन, मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई नई वीडियोज़ के साथ में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।